अच्छा जी, इजाजत। थैंक यू। खाना बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। रिलैक्स यार, छोटी सी शरारत ही की है उसने। ये छोटी सी शरारत है? इंसल्ट की है उसने मेरी? चमचागिरी का इल्जाम लगाए मुझ पर? यार अब तू ओवर रिएक्ट कर रहा है बस। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ओवर होती जा रही है मेरे साथ। हद होती है हर बात की भाई। अच्छा फिक्र मत करो, मैं उसे कहूंगा कि वो नहीं कहे तुम्हें। वो कोई जरूरत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। अब इज्जत करता हूँ उसके बाप की, उस्ताद है वो मेरे, हमेशा वही प्यार और मान दिया है मुझे जो मैं बाबा से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने कभी दिया नहीं। समझ सकता हूँ, तो क्यों इतना सेंटी हो रहा है? और बात सेंटी होने की नहीं है भाई, अब सुबह हो शाम घर या यूनिवर्सिटी हर जगह मुझे अपने बाप का चमचा कहती है, अब मैं कब तक बर्दाश्त करूं? ऐसे एक बात है, कभी उसकी जगह अपने आप को रख के देखा है? कोई जरूरत? जरूरत है। जो प्यार इज्जत उसके बाप से तुम्हें मिलती है वो उसे अपने बाप से कभी भी नहीं मिली, इसलिए उसका रिएक्शन तो बनता है ना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने प्रोफेसर साहब के दिल में बेटे की चाहत थोड़ी डाली। मैं तो नहीं कहता उनको कि अपनी बेटी के साथ सख्ती करें। समझा तो सकते हो ना? वो समझा सकती है हमारे बाप को कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए और आए दिन हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे? नहीं समझा सकती ना। दुनिया के किसी के बाप को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे। आज तो कुतुब महल सोया हुआ महल लग रहा है भाई। भाई क्या हो गया? सोया हुआ महल लग रहा है आज। शहजादियों को तो जहरीली सुइयां अब्बा चुभोएंगे, एक दफा मंजर आम पे तो आने दे उन्हें। और कहां है ये जलालुद्दीन अकबर के डुप्लीकेट? वैसे 2 घंटे हो गए, अब्बा की एक आवाज नहीं आई अंदर से, कहीं गूंगे का गुड़ तो नहीं खा लिया उन्होंने? गुड़ तो वो हम तीनों को खिलाएंगे, वो भी जहरीला, एक बार पुकारने तो दे। ये सब कुछ ना नेहा की बच्ची की वजह से हुआ है। पता नहीं आतंक को देखे कौन सा लावा उबलने लगता है इसके अंदर। बिलबतूड़ी की रूह आ जाती है बाजी के अंदर। जलाली रूह तो अब्बा के अंदर हलचल मचा रही होगी। तो तुम्हारी अम्मा कहाँ है इस वक्त? अब्बा की जलाली रूह को पुरसुकून करने के वजीफे पड़ी है। मैं तो सोच सोच के अपसेट हो रही हूँ, अब्बा के जहन में पता नहीं क्या चल रहा होगा। मुझे तो लग रहा है पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है। तो फिर मुझे टिकटॉक के फैन से फौरन मशवरा मांगना चाहिए ना। वो तो उस वक्त मजाक सोच रहे आपको। हर किस में नहीं, मुझे तो आतंक की शक्ल याद आ रही है। सिल्वर स्पून। आदम। हाँ। कहाँ चले गए थे भाई? वो वैसे ही दम घुट रहा था घर में। अच्छा अच्छा, तेरी बाइक कहाँ पे? वो तो आप ठीक करवाने लेकर गए थे वर्कशॉप। मैं तो सारा दिन तुम्हारे डिनर के चक्कर में लगा रहा हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊंगा बाइक? तो फिर मेरी बाइक बाबा।